कभी खुशी कभी गम मूवी एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप कह रहे से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर ज़माना फिल्म, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलीवुड की तरीक की सबसे टॉप तरीन फिल्म और एक बहुत ही माया नाज क्लासिकल फिल्म, कभी खुशी कभी गम के बारे में। तो कभी खुशी कभी गम के कुछ फ्लाज हैं और कुछ अच्छी बातें हैं। सबसे पहले बात करेंगे कभी खुशी कभी गम अपने दौर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है और ये एक टॉप क्लास फिल्म है जिसका कोई जोड़ ना ही बना है और ना ही आने तक बनेगा, क्योंकि ऐसी फिल्में बाय चांस बनती हैं। ये अगर आप कहें कि ये स्पेशल फिल्में ऐसे बन सकती हैं, दोबारा ऐसी बनाई जा सकती हैं, तो ये मुमकिन नहीं। तो अगर प्लाट की बात करें तो इसके कुछ प्लाट ऐसे हैं कि शाहरुख खान जो हैं वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं और ऋतिक रोशन वो अमिताभ बच्चन के बेटे दिखाए गए हैं। शाहरुख खान जो हैं वो क्या करते हैं कि वो शादी करके अमिताभ बच्चन की मर्ज़ी से काजोल के साथ शादी कर लेते हैं और जो अमिताभ बच्चन हैं वो उनको कहते हैं कि ये शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई, तो वो उनको अपनाने से इनकार कर देते हैं और उनको जब वो अपने ही बनाते तो वो उनको घर से निकाल देते हैं, तो वो उसको छोड़कर लंदन चले जाते हैं। तो अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अमिताभ बच्चन ने उसको शादी से इनकार किया तो उसने वजह दी थी कि ये हमारे ख़ानदान की परंपरा जो भी इस तरह के डायलॉग थे उस पर पूरा नहीं उतर पाएगी। मगर अब जब हम मूवी देखते हैं तो पता चलता है कि मूवी से थोड़ी इस सीन से पहले स्टार्टिंग के सीन में जब एक पार्टी सॉन्ग लगता है माहिया से शावा सावा, उसमें ये बाप बेटे मिलकर कैसे डांस कर रहे होते हैं शॉर्ट ड्रेसेस और वो तब अमिताभ बच्चन के वो क्या कहते हैं परंपरा उसको वो नहीं नज़र आते। मगर जब बात आती है एक मिडिल क्लास चौल वाली लड़की से शादी करने की तो उसको अपनी परंपरा याद आ जाती है। बेसिकली उसको क्या करना होता है, उसको बेसिकली शादी जो शाहरुख खान की होती है वो रानी मुखर्जी के साथ करनी होती है जैसे कि मूवी में दिखाया गया है, मगर नहीं हो पाती। यही वो बेसिकली उसको गुस्सा होता है जो वो शाहरुख खान के ऊपर निकालता है और शाहरुख खान छोड़ कर चले जाता है। शाहरुख खान के छोड़ कर चले जाने के बाद जब वो जो लड्डू होता है उसको बड़ा वो दिखाते हैं तो वो भी शाहरुख खान का पता करके वो चला जाता है लंदन। तो शाहरुख खान के पास जाकर बिना बताए उसके साथ रहना शुरू कर देता है। जब शाहरुख खान के पास बिना बताए रहना शुरू कर देता है तो वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो इसी में काजल की एक बहन भी होती है और वो बड़ी हो चुकी होती है, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिस कॉलेज में ऋतिक रोशन एडमिशन लेता है जिसे लड्डू कहते हैं। तो वो उसे पता चल जाता है कि ये वही है, तो उसके घर में उसे ना अपने घर ले आ जाती है, तो वो उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो बस इसी तरह रहते हैं। तो फिर एंड पे वो बता देते हैं कि वो ये हैं। तो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को आपस में पता चल जाता है कि ये दोनों भाई हैं। इन दोनों को पता चलने के साथ फिर वो एंड पे आकर इनकी हो जाती है सुलह, तो वो फिर फिल्म एक एंडिंग की तरफ चली जा जाती है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज और ये है कि सबसे पहले के अमिताभ बच्चन ने शादी से इनकार किया। ज़ाहरी तौर पर उसने बोला कि ये मेरे घर के ख़ानदान को परंपरा को और रवायत को संभाल नहीं सकती, मगर बेसिकली उसने शादी रानी मुझे मुखर्जी के साथ करनी होती है, तो वो इस वजह से वो उसको निकाल देता है। नंबर एक। नंबर दो, शाहरुख खान का जो दिखाया गया है रोल, वो उसको घर से निकालने के बाद वो कभी ट्राई भी नहीं करता कि अपने बाप से माफ़ी मांगे या कोशिश भी करे। वो दिखाया गया कि वो एक अलग दुनिया में चला जाता है और अपनी एक लाइफ में मगन हो जाता है। तो ये कुछ फ्लॉज हैं और ये एक एनालिसिस है। बाद और एट द एंड ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छी है। 10/10 देना चाहिए, मगर 10/10 दे सके, 10/9 बनता है इस मूवी को।
क्योंकि ये एक ऐसी क्लासिकल मूवी है जिसमें जिसके सॉन्ग्स, कास्टिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, लोकेशंस सब कुछ एकदम से परफेक्ट है। ये बंदा ये नहीं कह सकता कि इसकी जगह ये होता तो ये स्टोरी अच्छी होनी थी, ये होता तो ये अच्छी होनी थी। हर एक चीज़ एक लेवल पे रह कर की गई है। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं तो वो उस जमाने में मतलब मूवीज बनाते वक्त इतनी पॉइंट पे गौर नहीं होता था, तो वो एक क्लासिकल फिल्म एक शुमार होती है।